हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट मैथ क्लासेस। तो आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे सुन्यात मेथड। तो देखिए, ये आपका आरबीएससी का चैप्टर 1.1 है, वैदिक मैथमेटिक्स का। इसके अंदर देखिए, आपको सुन्यात मेथड से इसका एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसका मेथड जानना पड़ेगा। तो देखिए, अब हमें जैसे ये दो नंबर दे रखे हैं, इनको ऐड करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर देखिए, 34 प्लस 59। अब इसको हमें सीधा ऐड नहीं करना, इसमें से हमें इन दोनों में से किसी एक नंबर को राउंड फिगर के अंदर कन्वर्ट करना है, और जिसकी जो डेफिशिएंसी है वो दूसरे नंबर से हमको कन्वर्ट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब अगर ये 59 है, 59 को अगर मुझे राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको 60+1 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 34 को लिख सकता हूँ 33+1, और यहाँ लिख दिया मैंने 59। अब देखिए, जब मैंने इसको ऐड किया तो ये हुआ 33+60। तो यहाँ पर देखिए, जब इनको ऐड करेंगे तो आपका आ गया 93। तो देखिए, अब तो ये तो आ गया 93। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली ये आ गया हमारा है, ये रिमाइंडर है। लेकिन अगर ये नंबर होता 193, तो हम क्या करते, देखिए एकाधिकेन करते, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर में हम एकाधिकेन कर देते, और जो रिमाइंडर होता उसको नेक्स्ट नंबर में हम ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 93 है, तो हमने क्या किया, 93 को मान लिया रिमाइंडर, तो देखिए हमारा रिमाइंडर है 93, और नेक्स्ट नंबर जो हमें ऐड करना है वो है 32। लेकिन आपको हमेशा सुन्यात मेथड के अंदर ये चीज ध्यान में रखनी है कि किसी भी एक नंबर को हमें राउंड फिगर में करना है। तो अब देखिए, राउंड फिगर में करने के लिए यहाँ पर 93 में हमें ऐड करना पड़ेगा 7। अब ये 7 अगर इसमें ऐड करेंगे तो इसको माइनस करेंगे 32 में से, यहाँ बचेगा 25। अब देखिए, 93 को जब हमने 7 में ऐड किया, ये तो हो गया 100+25, तो आपका जो आंसर आ गया ये आ गया 125। अब देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके अंदर क्या करना है। अगर 100 से ज़्यादा हो या फिर 100 भी हो, तो हम क्या करेंगे, एकाधिकेन, मतलब एक उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर पे हम एकाधिकेन लगा देंगे। हमने एकाधिकेन यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर देखिए जो बचा क्या रिमाइंडर बचा हमारे पास 25, और 25 को हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए, आगे भी हम लोग ऐसे करेंगे। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 3, इसके अंदर देखिए हमें ऐड करना है 75+24। इसको ऐड करने के लिए देखिए, वही राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, तो राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए 75+5, लेकिन ये 5 इस 24 में से माइनस होगा, तो यहाँ पर बचेगा 19। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80+19, ऐड करने पर ये आपका आ गया 99। अब देखिए, 100 से ज़्यादा नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको ये एज अ रिमाइंडर मान के नेक्स्ट नंबर में हम लोग ऐड करेंगे। तो 99 प्लस, अब देखिए एकाधिकेन यहाँ पर पहले से पड़ा है, तो +1+19। अब देखिए, हमें इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 1 ही चाहिए था, और 1 हमारे पास एकाधिकेन में पहले से अवेलेबल था, तो ये हो गया 100+19। तो देखिए, 119 करने पर ये हो गया 119। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए एकाधिकेन देने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 0, और एकाधिकेन दे देंगे यहाँ पर, और 19 को लिख देंगे एज इट इज। 19 लिखने पर देखिए, अब नेक्स्ट देखेंगे 1+0 हो गया 1, और आपका आंसर आ गया 11,925। तो आपको ये समझ में आया हुआ, तो मैं इस मेथड को एक बार फिर रिपीट करता हूँ। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने 34 को ऐड किया हमने 59 के अंदर। ऐड करने के लिए सुन्यात मेथड के अंदर सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, 59 को राउंड फिगर, मतलब राउंड फिगर होना चाहिए जैसे 60, राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ 1 चाहिए, तो 1 हमने ले लिया 34 में से, यहाँ पर बचा 33, तो ये हो गया 33+60, तो अब ये आया 93। अब देखिए, ये 93 को हम एज अ रिमाइंडर काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 100 या 100 से अबव होता है तो हम प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट नंबर में एकाधिकेन, लेकिन यहाँ पर 93 था। अब 93 को हमने ऐड किया नेक्स्ट नंबर 32 में, 32 में जब हमने ऐड किया, वही हमें को करना क्या है, इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, तो 93 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐड कर दिया 7। अब 7 ऐड करने पर ये हो गया 100, और पीछे यहाँ पर बचा 25, और टोटली जब टोटल किया तो आ गया 125।
फाइव। अब यहाँ से देखिए 125 मतलब 100 से ज़्यादा है, तो 25 को तो हमने लिख दिया एज इट इज़, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। और जो 1 था उसको हमने दे दिया एकाधिकेन उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर पे। तो थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पर तो हमारे पास ये डिजीज आ गई, आगे हमने ऐड किया 75 को 24 के साथ। अब देखिए राउंड फिगर में कन्वर्ट करना था तो 75 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5 चाहिए 80 चाहिए, तो 75 में 5 ऐड किया तो ये हो गया 80, और 24 में जब हमने 5 लिया डेफिशिएंसी तो हमने यहाँ से ली ना दूसरे नंबर से, तो ये हो गया 19, तो 80 प्लस 19 हो गया 99। अब देखिए 100 से अबव नहीं है ना ही 100 है, तो हम इसको एज अ रिमाइंडर मान के नेक्स्ट नंबर के अंदर ऐड कर देंगे। तो 99 प्लस देखिए एकाधिकेन ये पहले वाले नंबर का पड़ा था प्लस 1 प्लस 19। अब देखिए एकाधिकेन था तो 99 में हमें इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ही चाहिए था, 1 को ऐड किया 100 प्लस 19 ये हो गया 19 119। अब यहाँ से देखिए 19 को तो हमने एज इट इज लिख दिया और एकाधिकेन दे दिया उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर पे। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हमने लिख लिया यहाँ पर 0, तो 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 11925, ये आपका है आंसर। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, हमें ऐड करना है 98 प्लस 89। अब देखिए ऐड करने के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ किसी भी एक नंबर को हमें करना है कन्वर्ट इसको राउंड फिगर के अंदर। अब देखिए 98 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 2 चाहिए, तो हमें ऐड किया 98 प्लस 2, और ये 2 हम लेंगे कहाँ से, ये 89 में से, तो यहाँ पर बचेगा 87। तो 98 प्लस 2 हो गया आपका 100 प्लस 87, तो आपका आंसर आ गया 187। तो 187 आने पर देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो तो बचा 87, और जो 1 था उसको हमने एकाधिकेन दे दिया 7 के ऊपर। उसके बाद देखिए 87 के अंदर हमने जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर है उसको ऐड करना है मतलब 15। अब देखिए 87 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए 3, तो 3 को हमने कर दिया ऐड 87 प्लस 3, लेकिन ये 3 लेंगे कहाँ से इस 15 में से, तो यहाँ पर बचा 12। अब यहाँ पर देखिए ये हुआ 90 प्लस 12, तो आपके पास जो आंसर आया 102। तो देखिए 2 हमने यहाँ पर लिख दिया और एकाधिकेन दे दिया फिर से यहाँ पर इस 7 के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हमने ऐड किया 49 प्लस एकाधिकेन तो था ही 1 प्लस 67। अब देखिए इसको ऐड करने पर हमें इस किसी भी नंबर को राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, 49 को राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ 1 चाहिए, तो ये हो गया आपका 50 प्लस 67। अब देखिए इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 117 आया। तो देखिए मोर देन 100 है, 100 से ज़्यादा है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर तो बचा 17, और एकाधिकेन हमने लगा दिया 0 लगा के नेक्स्ट नंबर पे। तो देखिए एकाधिकेन तो आ गया नेक्स्ट नंबर पे और हमारे पास रिमाइंडर बचा 17। अब 17 प्लस 1 जो कि एकाधिकेन का था प्लस 57। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अगर इसको ऐड कर दिया 18 प्लस 57। अब देखिए इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको चाहिए 2, तो 2 हम यहाँ से लेंगे तो ये हो गया 20 प्लस 55। अब इनको ऐड करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 75। अब देखिए ये 100 से ज़्यादा नहीं है, अबव नहीं है, तो हम सीधा सीधा इसको यहाँ पर लिख देंगे 75। और एकाधिकेन जो यहाँ पर पड़ा था 0 प्लस 1 ये हो गया 1, तो आपका आंसर हो गया 17502, ये आपका आंसर। तो बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन थे जो उसमें तो हमने किया था एडिशन बाय वैदिक मैथमेटिक्स, लेकिन अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखिए आपको एक चीज का पता होना चाहिए, मित्र और परम मित्र। तो देखेंगे कैसे इसको पता करेंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूँ 7 की, 7 का अगर परम मित्र की बात करेंगे तो वो नंबर जिसको ऐड करने पर यहाँ पर 10 आ जाए तो 7 का परम मित्र हो जाएगा 3। अगर मैं 6 के परम मित्र की बात करूँ तो 6 का परम मित्र हो जाएगा 4। 1 के परम मित्र की बात करूँ तो वो हो जाएगा 9। 2 के परम मित्र की बात करूँ तो वो हो जाएगा 8। और अगर 3 के परम मित्र की बात करूँ तो हो जाएगा 7। तो देखिए हमें बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि मित्र और परम मित्र। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखेंगे एक क्वेश्चन है 800
263। अब देखिए, क्या जीरो में से थ्री माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं होने के लिए हम इसके याद करेंगे इसके परम मित्र के। तो थ्री का जो परम मित्र होता है वो होता है सेवन। सेवन को हम सिंपली ऐड कर देंगे जीरो के अंदर, ऐड करने पर आपका आ गया सेवन, और एकाधिकेन लगा देंगे यहाँ पर, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर पे हमें लगाना है एकाधिकेन। अब देखिए, ये वन प्लस सिक्स तो हो गया सेवन। अब देखिए, क्या सेवन जीरो में से माइनस होता है? नहीं होता। तो इसके लिए हमें सेवन का परम मित्र, सेवन का परम मित्र होता है थ्री, थ्री को हम ऐड करेंगे जीरो में, तो ये आपका आ गया थ्री। तो यहाँ पर एकाधिकेन लगा देंगे टू के ऊपर। तो देखिए, टू प्लस वन हो गया थ्री, क्या एट में से थ्री जाता है? यस, माइनस होता है। तो एट माइनस थ्री करने पर आपका आ गया 537, ये आपका आंसर। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें वैदिक मैथ से। तो देखिए, क्या टू में से थ्री माइनस होता है? नहीं होता। तो हम देखेंगे जो थ्री का परम मित्र क्या होता है। थ्री का परम मित्र होता है सेवन। सेवन को हम ऐड करेंगे टू के अंदर, तो ये हो गया नाइन, और एकाधिकेन दे देंगे जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए, सिक्स प्लस वन होता है सेवन। क्या सेवन फाइव में से माइनस होता है? नहीं हो सकता। नहीं होने पर देखिए, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो सेवन का जो परम मित्र होता है वो होता है थ्री। थ्री को ऐड कर देंगे फाइव के अंदर, तो ये हो जाएगा एट, और एकाधिकेन दे देंगे नेक्स्ट वाले नंबर पे। तो देखिए, सिक्स में से सिक्स माइनस करने पर जीरो, तो आपका आंसर आ गया 89। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सूत्र समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए।